कैसे हैं आप विजन प्रो आ गया आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका विजन uh, प्रो का एक्सपीरियंस एकदम मैजिकल चल रहा है मतलब मजेदार चल रहा है मैं बताओ आपको मैंने जब ट्राई किया था, था ना जून के महीने में पिछले साल की बात कर रहा हूँ आई वॉज द फर्स्ट वन एंड आई बिलीव बेबी ओनली वन इंडिया से जिसने ट्राई किया और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था और मैं बस वेट ही कर रहा था, था कि कब विजन प्रो आए 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 और जब फाइनली आया तो यूज़ किया और बहुत मज़ा आया बट फिर टैक ऐसा हो गया ना इतना ज़्यादा हो गया टैक चारों तरफ कि मतलब जो लोग कर रहे हैं वो तो अति कर रहे हैं कि पहन के वो सारे काम कर रहे हैं अब तो आई गए किराए पर लेके विजन प्रो और वीडियो बना रहे वी है मजे करेंगे बहुत मजा आएगा वैसे अभी के लिए जो मजे का टाइम है वो है क्यू एन ए करने का और आपके सवाल का जवाब देने वाला हूँ इसी सब्जेक्ट मसारा आगे बढ़ते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है कुमार राणा की तरफ से वो कह रहे नथिंग का गिव अवे अनाउंस किया था और पार्टिसिपेट भी हो चुका था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया 4.5 मंथ से ज्यादा हो गया है भूल गए हो क्या नहीं भाई मैं नहीं भूला हूँ आप भूल गए शायद बिकॉज रिजल्ट आ चुका है बहुत पहले बहुत बहुत पहले नथिंग ने ऑफिशियली पोस्ट किया था आई थिंक स्टोरी पोस्ट की थी मैंने उसको रीपोस्ट भी किया था वहाँ पे सारे विनर्स के जो है हैंडल्स लिखे हुए थे जो विनर्स थे उनको कॉन्डेट भी कर लिया नथिंग ने उनको प्राइज भी भेज भी दिए होंगे तो बहुत टाइम निकल गया है तो आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो प्लीज़ फॉलो सो दैट आपको पता चल जाए कि गिव अवे का रिजल्ट वगैरह क्या चल रहा है तो मैंने आई रिमेंबर ये तो बहुत पहले की बात है आई बिलीव इस बात को तो हो गए तीन चार महीने हो गए यार जब अनाउंस किया था उसकी वही पंद्रह बीस दिन जो भी उसकी डेडलाइन थी उसके बाद में हो गया था काम तो वी 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 पूछ रहे हैं फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स खत्म होने के बाद फोन को कितने साल तक सेफली यूज कर सकते हैं भाई सेफली की बात तो है ना कि आप फोन को यूज किसके लिए कर रहे हो कैसे कर रहे हो और मतलब अगर आप अवेयर हो तो जब तक आपका फोन चल रहा है ठीक है तरीके से यू कैन यूज इट क्या

लेकिन कुछ लोगों को एप्पल पसंद है कुछ लोगों को पर्सनली सैमसंग पसंद है, विद ऑल इट्स अमेजिंग फीचर्स। तो मैं तो खैर दोनों यूज करता हूँ तो हर्ष कह रहे हैं आप ये बताओ कि स्टारलिंग कब तक पूरे इंडिया में सर्विस देना शुरू कर सकता है यार अभी तो बात चल रही है अप्रूवल्स वगैरह की कवरेज इशू बिकॉज ऑलरेडी है ऊपर सेटेलाइट ऑलरेडी ऊपर हैं तो कवरेज तो मिल जाएगी पूरे इंडिया में इट्स मतलब जब स्टार्ट होते ही और वो जब आपको उसकी यूनिट्स वगैरह जो एंटीनाज वगैरह हैं वो सब मिल जाए डिश वगैरह बट इट्स ऑल अबाउट कि वो ऑपरेशन स्टार्ट कब करते हैं उसका वेट करना है बस अभी हमको सत्यम पूछ रहे हैं वर्स्ट एंड बेस्ट थिंग ऑफ योर लाइफ यार वर्स्ट तो मैं क्या ही बोलूँ कोई है ही नहीं वर्स्ट ये बोलूँगा कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव डैड विद मी तो पापा जो है वो नहीं है पंद्रह साल हो गए हैं इसके अलावा कुछ याद करता हूँ तो याद आती नहीं है चीज़ें बेस्ट बोलूँगा तो सब कुछ जो मिला है भगवान ने अच्छा ही दिया है यार तो सब कुछ बेस्ट है और मुझे लगता है कि वी ऑल यू नो नीड टू बी ऑलवेज थैंकफुल फॉर वॉट वी हैव और हमको हमेशा ही देखना चाहिए और मतलब एक बार अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को और आप भगवान के आगे हाथ जोड़ो और सोचो कि यार जो मिली है लाइफ हमको कितनी अच्छी लाइफ मिली है बस ये सोचो और सब कुछ बेस्ट है बिल्कुल चिराग कह रहे हैं चिराग उसके दरवाजे खोल लेंगे सारे उसके पीछे जो उसका बेड है उसका शटर हटा देंगे और उसका बोनेट भी खोल लेंगे और सब कुछ करके बढ़िया से अनबॉक्सिंग कर देंगे द मोमेंट आई गेट इट इन दुबई जैसे ही होता है बहुत जल्दी ऋषभ बैद कह रहे हैं हेलो गुरुजी कैसे हो आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर वन ईयर होप आप भूले नहीं हो ओवरऑल ऑलराउंडर बेस्ट फोन बिटवीन 45k के टू 70k के आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल फ्रॉम 1.5 इयर्स क्या अब आपसे बात हो सकती है वीडियो कॉल पे आपको आई रिमेम्बर मैनी है वो क्लियरली दिमाग में हो विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सोलह फेबरी के लिए और मौका मिलता है जल्दी हम बात भी करेंगे जहाँ तक बात है आपने पूछा कि बेस्ट ऑलराउंडर फोन बिटवीन वही चालीस सत्तर के बीच में मैं बोलूंगा वन प्लस ट्वेल्व रियली फिट्स इन लाइक क्रेजी गुड फोन फॉर दैट प्राइस

कैमराज की बात कर लेते हैं तो जो जूम रेंज वगैरह हमको मिल जाती है फॉर दैट जो दो सौ मेगा पिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर हमको हम मिल जाता है तो वो सब चीज़ें आपको फोल्ड में नहीं मिल रही हैं सिंपली बिकॉज की इतना स्पेस नहीं है उनके लिए अगर हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फोन में जो पाँच हज़ार एम की बैटरी है वो बैटरी बैकअप एकदम मतलब अमेजिंग है फोल्ड में आपको कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा एक जो है कंपेरिटिवली मतलब बैकअप बहुत अच्छा है बट इसकी कंपेरिजन में आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा एस uh, पेन की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे एसपिन जो है वो आप नीटली टक कर सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो जब आप चाहो फोल्ड में आपको अलग से केस लेना पड़ेगा बट वो जो केस के साथ में एसपिन आता है वो फिर थोड़ा बड़ा है अच्छे से आप ग्रिप कर सकते हो दिस फील्स थोड़ा सा छोटा बट इसके अंदर फिर वो ब्लूटूथ वाले स्मार्ट फीचर्स हैं जो उसमें नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें यार ऑल इन ऑल मतलब मुझे लगता है कि इवेंचुअली आगे चल के शायद क्या पता यू नेवर नो वन डे सैमसंग माइट क्लब दीज टू और एक ही फोन रखे अपना फ्लैगशिप और वो फोल्डेबल ही हो, no, हो सकता है ये मर्ज हो जाए उसमें बिकॉज फोल्डेबल इतने ज़्यादा अच्छे बन जाए बट अभी के लिए Uh, अगर आपको कैमरा चाहिए बेस्ट तो आपको यही लेना पड़ेगा आप फोल्डेबल में नहीं जा सकते हो लेकिन अगर आपको चाहिए प्रोडक्टिविटी उसमें ज़्यादा अच्छी तो वहां जाओ और प्राइस के आने का बात कर रहे हो तो ये आ रहा है एक लाख तीस हज़ार का फोल्ड आ रहा है डेढ़ लाख के ऊपर तो बीस पच्चीस तीस हज़ार का वो जो प्राइस डिफरेंस है वो रहेगा और वो होना भी चाहिए बिकॉज ऑफ यू नो डिफरेंट फोन तो अलग अलग ऑडियंस है अलग लोगों के लिए Fire Brothers पूछ रहे हैं बुक इंडिया में कब आएगी रिलीज डेट डेट बता दीजे। यार तो तो बताऊंगा बुरा मान जाएगा जाएगा कि इसी महीने आपको देखने दे like, yeah. को मिल सर लेकिन विजन प्रो वीआर का मार्केट बना जरूर देगा बहुत सारे ब्रांड्स के लिए बिकॉज इतनी ज्यादा हाइप हो गई है इस चीज की अब बिकॉज एप्पल तो आप देखना ये शॉमी और ये रेडमी वाले और ये जितने भी लोग हैं ना ये सब अपने अपने सस्ते सस्ते जो हैं वो चाइनीज़ वाले उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया प्लानिंग पच्चीस पच्चीस हज़ार में देंगे बना के ऐसे सिमिलर लुकिंग विजन प्रो क्लियर नकल मारने वाले हैं एप्पल की जैसा करते आए हैं हमेशा से इस तरह के ब्रांड्स वही वैसा गंदा तो कुछ बना के देंगे बट देन अगेन उनकी मार्केट बना देगा विजन प्रो ये बात पक्की है आई डोंट केयर फाइव नाइन फाइव जीरो जानना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट मेरे को आईपैड एयर लेना चाहिए या मैकबुक और एप्पल बैक टू स्कूल सेल कब आ रही है भाई बट यू तो डोंट केयर तो जान के क्या करोगे यार देखो डिपेंड करता है आई एयर जो है वाला वो ही बहुत अच्छा है और भी बहुत अच्छा है और मैकबुक भी बहुत अच्छा है डिपेंडिंग ऑन कि आपको एक प्रॉपर मैक ओएस पे अपना काम करना है या आई ओएस पे करना है विद एप्पल पेंसिल वो आपके ऊपर है तो यू चूज़ दैट जहाँ के, के जो है वो दोनों डिवाइस की बहुत अच्छी हैं बैक टू तो स्कूल जो होती है एप्पल की सेल वो यूजुअली आपको जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे देखने को मिलती है तो आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स द टाइम

नथिंग वे के लिए आप डेफिनेटली रुक सकते हो ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे ख्याल से महीने भर की बात है तो फोन विल कम जितना मैं जानता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोन होने वाला है तो आप उसका डेफिनेटली इंतजार कर लो और अच्छी बात यह है कि आपने M10s एस को यूज़ किया है चार साल दो महीने हो गए मतलब आई रिमेंबर आई वॉज़ ऑन स्टेज जब एम सीरीज लॉन्च हुआ तो आई वॉज द वन जिसने अनबॉक्सिंग किया था उस टाइम पे सैमसंग के एम सीरीज़ का और एम टेन एस उसके बाद में इंस्टेंटली एक आपने अपडेट आया था आई रिमेंबर और आपको मैसेज पढ़ के आपका क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि आप काफ़ी सिंपल इंसान हो जो अभी तक आप उस फ़ोन को यूज़ कर पा रहे हो तो फ़ोन टूए जितना मैं जानता हूँ आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बनाएगा तो इंतज़ार कर लो और फिर आप एक फ़ोन लेना एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको आराम से तीन साल चार साल यूज़ करो ताकि आप पैसा वेस्ट ना करो

लास्टली किंग अभी पूछ रहे हैं आप अपना वाला एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा का न्यू गोल्ड एडिशन कब ला रहे हो अरे बन रहा है भाई काम चल रहा है अंदर नकाशी वकाशी हो रही है बहुत सारी तो वो आएगा बट उससे पहले पैकेज इन ट्रांजिट तो वो आने वाला है और मतलब किसी ने सोची ना होगी किसी ने देखा ना होगा बहुत तगड़ा बनने वाला है तो इट्स कमिंग वेरी सुन Surprise. That's it. That's it. Guys, I hope आपको सवाल के जवाब मिले होंगे अगर मिल गए तो बहुत बढ़िया नहीं मिले हैं तो अगली बार दोबारा पूछ लेना है आप, आप ट्वीट भी कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में फिलहाल जुड़ू मैं इतना ही जय हिंद वंदे मातरम